सिटी इंडिया। हरियाणा के झज्जर में INLD यानी इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या से पहले का एक CCTV वीडियो सामने आया। दावा किया गया कि उस वीडियो में हत्यारे सफेद रंग की एक कार में बैठकर नफे सिंह की गाड़ी का पीछा करते दिखाई दिए। एक रोज पहले बहादुरगढ़ में एक रेलवे फाटक पर कुछ कार सवार बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी और दिन दहाड़े अंजाम दी गई इस वारदात की वजह से वहां हाहाकार मच गया। नफे सिंह की हत्या करने के लिए कार सवार बदमाशों ने उन पर कुछ ही मिनटों के अंदर 40 से 50 गोलियां दाग दी। जानकारी के मुताबिक नफे सिंह ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे और इसीलिए बदमाशों ने उन्हें टारगेट करने के लिए उनकी ही तरफ से फायरिंग की। बताया गया कि गाड़ी से कुल 10 गोलियां आर पार हो गई। 6 गोलियां खिड़की के शीशे को तोड़कर नफे सिंह राठी को लगी, जबकि गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे सुरक्षा कर्मी को टारगेट करते हुए जो फायरिंग की गई उसमें 4 गोलियां गाड़ी के आर पार हो गई। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किस तरह से देखिए इस पे जो है वो जो बुलेट मार्क है देख सकते हैं इस गाड़ी के ऊपर लगे हुए हैं। हमला इतनी तेजी से किया गया कि कार में बैठे किसी भी आदमी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस वारदात से पहले का एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में हमलावर सफेद रंग की एक कार में बैठे दिखाई दिए। ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा बदमाश फोन पर बातें करता भी नजर आया। दावा किया गया कि कार में 4 से 5 बदमाश बैठे थे और उन्होंने मौका मिलते ही नफे सिंह राठी को बराही रेलवे फाटक पर गोलियों से छलनी कर दिया। जांच करने पर कार का नंबर फर्जी निकला और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि नफे सिंह राठी की हत्या पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और जयपुर में हुए गोगा मेडी हत्याकांड की तरह की गई। सूत्र बताते हैं कि इस हत्याकांड में बदमाशों ने आधुनिक और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया, इसीलिए पुलिस मूसेवाला और गोगा मेडी हत्याकांड की तर्ज पर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुट गई। क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि नफे सिंह को मारने के लिए भी हत्यारों ने बड़ी प्लानिंग की थी, ठीक उसी तरह जिस तरह से पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला और जयपुर में सुखदेव सिंह गोगा मेडी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नफे सिंह की हत्या के लिए बदमाशों ने 3 तरह के खतरनाक और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। दावा यह भी है कि हथियारों ने वारदात को अंजाम देने से पहले उनकी रेकी भी की थी। मतलब बदमाशों को पहले से पता था कि नफे सिंह कहां गए हैं और किस रास्ते से वापस आएंगे। और सूत्र ये भी बताते हैं कि नफे सिंह को मारने के लिए हथियारों ने जानबूझकर रेलवे फाटक को चुना ताकि हमला होने पर उन्हें बचकर निकलने का मौका ना मिले। बताया गया कि रेलवे फाटक पर नफे सिंह की कार रुकने के फौरन बाद बदमाशों ने उन पर आधुनिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। सूत्र बताते हैं कि हमला करने वाले लोग हथियार चलाने में माहिर थे, इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि हत्याकांड को किसी बड़े गैंगस्टर के इशारे पर बाहर से बुलवाए गए शूटरों ने अंजाम दिया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक नफे सिंह राठी हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ भी हो सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद की वजह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही उनकी हत्या कर दी गई और इसी वजह से हरियाणा पुलिस की एक टीम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टरों से पूछताछ करने पहुंच गई। दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों की जेलों में बंद गैंगस्टरों से भी हरियाणा पुलिस पूछताछ में जुट गई, क्योंकि शक ये जताया जा रहा है कि इतनी बड़ी वारदात को किसी बड़े गैंग की मदद के बिना अंजाम नहीं दिया जा सकता। पुलिस के सूत्र बताते हैं नफे सिंह राठी हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है और प्लानिंग के तहत इसे अंजाम तक पहुंचाया गया। सूत्रों का दावा है कि करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी विवाद की वजह से लॉरेंस के इशारे पर ही नफे सिंह की हत्या की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड को लॉरेंस ने अपने करीबी काला जठेड़ी के जरिए अंजाम दिया। शक इसलिए भी और गहरा हो गया क्योंकि इस वारदात को हरियाणा के झज्जर जिले में अंजाम दिया गया और सूत्रों का दावा है कि इस इलाके में काला जठेड़ी के गुर्गे सबसे ज्यादा एक्टिव है और इसी वजह से इस हत्याकांड के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई गई। हालांकि पुलिस ने नफे सिंह के भांजे संजय सिंह की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। संजय सिंह न सिर्फ नफे सिंह के रिश्तेदार हैं बल्कि वारदात के वक्त गाड़ी भी वही चला रहे थे और इसी वजह से उन्हें भी गोलियां लगी। सूत्रों का दावा है कि पुलिस को दिए बयान में संजय सिंह ने बताया कि नफे सिंह राठी वहां के आसोदा गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर बहादुरगढ़ वापस आ रहे थे। वो गाड़ी चला रहे थे और ठीक उनकी बगल में नफे सिंह बैठे थे। के कार्यकर्ता जयकिशन दलाल और एक सुरक्षा कर्मी भी बैठे हुए थे। सूत्र बताते हैं कि संजय ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शाम करीब 5 बजे एक सफेद रंग की कार को उनकी कार का पीछा करते हुए देखा, इसीलिए उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी लेकिन अचानक रेलवे फाटक बंद हो गया और गाड़ी रुकते ही खतरनाक हथियारों से लैस 5 बदमाश उनकी कार के पास पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि बदमाशों के हमले में उनके मामा नफे सिंह राठी और जयकिशन की वहीं पर ही मौत हो गई। बाद में पुलिस ने ड्राइवर संजय सिंह की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया
उनमें बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक और पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे सतीश राठी का नाम भी शामिल है। जबकि नफे सिंह के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमें भी बना दी, लेकिन पुलिस की मुसीबत तब और बढ़ गई जब नफे सिंह राठी के परिवार वालों ने हत्यारों की गिरफ्तारी होने तक पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। जबकि INLD के समर्थक अस्पताल के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में सरकार के विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठे नजर आए। उनके धरने की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। इसी दौरान नफे सिंह राठी के घर वालों ने हत्यारों की गिरफ्तारी होने तक पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस के कुछ अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन घर वाले नहीं माने। दो पार्षदों के पिता को खुलेआम अगर मार दिया जाएगा, इस सरकार से कौन उम्मीद करेगा? आम आदमी की क्या हालात होंगे? बहुत गलत हुआ है ये जो हुआ। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हमलावरों को पकड़ने के लिए 5 टीमें बना दी। इसके अलावा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए STF को भी लगा दिया गया। इस हमले में नफे सिंह राठी के अलावा पार्टी के कार्यकर्ता जयकिशन दलाल की भी मौत हो गई, जबकि उनके भांजे संजय सिंह और उनके सुरक्षा कर्मी की हालत गंभीर बताई गई। और घर वालों का दावा है कि नफे सिंह राठी को पिछले कई महीनों से हमले की धमकियां मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने कई बार पुलिस और प्रशासन से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा देने की गुहार लगाई थी। आरोप है कि इसके बाद भी सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी और उसकी कीमत नफे सिंह राठी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कार सवार हमलावरों ने उन्हें मारने के लिए उन पर गोलियों की बारिश कर दी। नफे सिंह राठी की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। फौरन सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घर वालों का दावा है कि नफे सिंह को पिछले कई महीनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, इसे लेकर उन्होंने पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। यही नहीं, पार्टी के नेता अभय चौटाला ने भी सरकार पर उन्हें जानबूझकर सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया। अगर मुख्यमंत्री अगर इस मामले को सीरियसली ले लेता, अगर IG CID इसको सीरियसली लेता, तो आज ये वारदात नहीं होती। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में नफे सिंह राठी हत्याकांड का मामला उठा। कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमले किए। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार हत्याकांड की जांच CBI से कराने के लिए भी तैयार है। दिन रात अपनी जान लगाती है और इस केस को भी हम पा रहे हैं। अगर हाउस की तसल्ली CBI इंक्वायरी से होती है तो मैं CBI इंक्वायरी करूंगा। बताया गया कि नफे सिंह राठी की हत्या करने के बाद कार सवार हमलावर सोनीपत की तरफ भाग निकले थे, इसीलिए उनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी करने में जुट गई।